नमस्कार, न्यूज बायस्कोप देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आपको बता दें कि पूरे देश में 5 चरणों में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब छठे चरण का चुनाव बाकी है जो कि 25 मई को होना है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों की जो हालत है वो इस समय थोड़ी टाइट है, क्योंकि वो भी ये सोच रहे भाई होगा क्या। कई प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो चुकी है, ऐसे में वो उनके लिए ये बड़ी दिक्कत है कि भाई वो ये सोच रहे कि आखिर अब आगे क्या होगा, आखिर जनता ने क्या लिखा है, अपने अंगूठे से उनके लिए क्या संदेश दिया है, किसको जिताएगी किसको हराएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल वहीं के वहीं है कि इस बार का प्रधानमंत्री कौन होगा और किसको कुर्सी मिलेगी। आज हम इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं और आज हम कुछ प्रोफेशनल लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है, वो आखिर क्या चाहते हैं, देश के अंदर प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, देश के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी किसको देनी चाहिए, जनता का रुख क्या होना चाहिए, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं सौरभ अग्रवाल, मैं वर्तमान में सिविल कोर्ट रांची रेरा कोर्ट में अधिवक्ता हूं और मैंने लंदन के प्रतिष्ठित MRICS से मास्टर्स किया है, MBA भी हूं। तो मुझे मौका मिला कि रेरा एक्ट जो आया है 2016 में अपने प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ही, तो इसमें काफ़ी कुछ चेंज आए, परिवर्तन आए, तो उससे फर्क पड़ रहा है। आप जो देख रहे हैं अपार्टमेंट्स में, बिल्डिंग्स में, इन सारी चीज़ों में ग्रीन बिल्डिंग्स आ रही हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है, तो बहुत सारे नियम कानून जो पहले पालन नहीं होते थे वो हो रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि फिर से हमारे प्रधानमंत्री आवें। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो फिर तो सब लोग यही कहेंगे, प्रोफेशनल लोग भी अगर ऐसे ही सोचने लगेगा तो फिर इंडी गठबंधन का क्या होगा? वो कहेगी भाई हम लोग भी तो हैं, हम लोग भी यही काम करेंगे जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। नहीं, देखिए इनके कार्यकाल में जो जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, भारतीय न्याय संहिता आई, भारतीय साक्ष्य बिल 2023 आया, जो 150-200 सालों से कॉलोनियल लॉज चल रहे थे सब में परिवर्तन आया, तो क्यों नहीं उस 70 सालों में ये चीजें हुई। मतलब हम कोई पार्टी विशेष या इससे नहीं जुड़े हैं, हम तो प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन चीजों में जो परिवर्तन आया है तो ये तो सबके सामने है। तो जो अच्छी चीजें हो रही हैं उसकी तारीफ हो, इकोनॉमी में हो, चाहे कानून में हो, लॉ में हो, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए भाई हमारा तो झुकाव है कि भाई सारे परिवर्तन कंटिन्यू रहें और एक बार फिर से हमें मोदी सरकार मिले। अच्छा, आप एक अधिवक्ता है, अधिवक्ताओं की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि वो समस्याएं पूरी हो रही हैं या फिर वो समस्याएं जस की तस अभी भी अधिवक्ताओं की बनी हुई है? देखिए सारे प्रोफेशंस में अलग अलग जो है सबकी समस्याएं तो रहेंगी ही आने वाले, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो अमूलचूल परिवर्तन है वो हो रहे हैं और कुछ अपने स्तर पे, कुछ सरकार के स्तर में, कुछ अपने स्तर पे प्रयास करने होंगे, चाहे कोई भी प्रोफेशनल हो, चाहे डॉक्टर हो, लॉयर हो या CA हो। तो ये तो है कुछ, मतलब कि जो परमानेंट समस्या है वो तो है, लेकिन जो नंबर ऑफ कोर्ट्स हैं वो बढ़े हैं पूरे देश में, जो सिस्टम है जैसे कि जो भी जजेस बार और बेंच का डिफरेंस था वो भी कम हुआ है और बहुत सारे परिवर्तन ऐसे छोटे छोटे स्तर पर आए हैं जो कि बहुत स्वीकार्य है, बहुत वेलकमिंग है। तो इन सबों को देखते हुए हम नहीं कह सकते कि पूरा मैंने 100% ये सब डिफरेंस आ गया है, लेकिन प्रयास तो है सरकार की तरफ से जो पहले नहीं हुए। प्रयास है भाई, और भी कुछ लोग है। क्या नाम है सर? मेरा नाम निपुन हुआ, मेरा पेट्रोल पंप है रांची में। पेट्रोल पंप चलाते हैं, तेल का पूरा बिजनेस? तेल का पूरा बिजनेस है। क्या बात है भाई। अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार, आप क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जैसा कि पिछले बार हम लोग देखे, पिछला 70 साल का और ये 10 साल का रिकॉर्ड देखते हैं, तब तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो 10 साल चल रहा है सो यही चले, क्योंकि पिछला 70 साल में जो हुआ नहीं हुआ व्यवसाय के हिसाब से वो हम लोग देख चुके हैं और ये भी काल देख चुके हैं। तो हम लोग को तो ज्यादा बेनिफिट इसी में लग रहा है। पहले जो पेपर वर्क था वो एकदम पूरा लंबा चौड़ा था, अफसर शाही ज्यादा था, बहुत सा खाना पूर्ति करना पड़ता था। अब इस इधर में अब देख रहे हैं कि बहुत सा कम हो चुका है हम लोग के लिए, हम लोग का बर्डन थोड़ा कम हुआ है, तो हम लोग के लिए तो बेटर है। अच्छा पेट्रोल पंप चला रहे हैं आप, महंगाई भी तो है, पेट्रोल महंगा भी हुआ है। महंगा पेट्रोल कैसे हुआ? आप कैसे आप बोल रहे कि महंगा हुआ है? आप पिछला हम नहीं बोल रहे, जनता भी बोल रही है भाई, भरपाई है जनता। आप रेशियो निकालेंगे तो आपको सस्ता लगेगा। रेशियो अगर आप निकालते हैं और अदर कम्युनिटीज के हिसाब से जोड़ेंगे तो आपको सस्ता नजर आएगा। जो पहले गाड़ी हुआ करता था कितना, आपको सस्ता ही लगेगा, पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ।
सस्ता ही लगेगा। अच्छा एक चीज और भी है, एक चीज बताइए ना, आप कह रहे हैं पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन यहाँ पर बात की जाए जिसको 105 98 100 रुपए में जब तेल भराने जाता है तब तो भाई वो कोसता है ना कि एक समय था कि लोग 65 पे तेल भरा रहे थे, आज का समय है कि लोग 100 में तेल भरा रहे। आपके चेहरे पे तो मुस्कान है क्योंकि तेल का रेट बढ़ गया भाई जी। हम लोग तो पूछिए, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का जो कमीशन है वो तो फिक्स है, हम लोग का जो जो पहले मिलना है वो हम लोग को मिलना है, उससे हम लोग को रेट से कुछ लेना देना नहीं रहता है। लेकिन जो जो कमीशन कमीशन फिक्स रहता है, उसमें कम बेसिक कुछ नहीं होता, कमीशन फिक्स रहता है भाई साहब का। आते हैं आपके पास एक बार फिर से, क्या नाम है सर आपका? अमित जलान। अमित जलान जी, आप क्या करते हैं? मेरा लोहे का काम है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, बढ़िया चल रहा है। 10 साल में तो बहुत राइजिंग हुआ है। लेकिन भाई जो इंडी गठबंधन है वो तो कह रहे हैं चीजें टूटी हैं, बिजनेसमैन टूट गए हैं, बिखर गए हैं, चिल्ला रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। पिछला 70 साल और पिछला 10 साल आप खुद एनालिसिस कर लो, देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ पहुँचा है, देश में विदेश नीति जब नरेंद्र मोदी जी की शासन सरकार आई थी और विदेश नीति इनके पास नहीं है। आज देख लो ना कि हमारे लोगों को लोग पकड़ लेते हैं और एक मोदी जी फोन करते हैं और घर वापस आ जाते हैं, और पिछली सरकारों में देखो क्या होता था, वो तो देखने वाली बात है ना। 10 साल और 70 साल, एक तरफ 70 साल एक तरफ 10 साल, दोनों का पड़ला आपको बराबर मिलेगा। तो हम लोग तो चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार वापस से आए, देश मजबूत होना चाहिए। सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, एनडीए की हो, मेरी हो, आपकी हो, सबसे बड़ी बात है देश मजबूत होना चाहिए। जो मेरे को लगता है पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं देश कमजोर हुआ है। अभी देखिए पेट्रोल पंप वाले भाई साहब भी हैं हमारे साथ, कह रहे हैं इनके चेहरे पे तो खुशी है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं भाई पेट्रोल महंगा हुआ। मैं जवाब देता हूँ। देखो आज से 15-20 साल पहले जिस मजदूर को हम लोग 50 रुपया 40 रुपया दिया करते थे, आज वही मजदूर 500 रुपया ले रहा है। उस समय चावल 5 रुपए में आता था, आज 50 रुपए में आ रहा है। महंगाई कहाँ बढ़ी है भाई साहब ने ठीक कहा, महंगाई कभी ना थी ना है, ये एक राजनीति वाली बात है। हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग जानते हैं महंगाई कभी नहीं बढ़ी है। आज जिसका पहले 200 रुपए में घर खर्च चलता था, आज उसका 10,000 में चल रहा है, पहले वो 500 रुपए महीना कमाता है, आज 15,000 कमा रहा है। महंगाई ना कल थी ना आज है ना कल रहेगी। सरकार अच्छी होनी चाहिए, देश मजबूत बनना चाहिए। सर जेब में आपके पैसा है, आपको लग रहा है महंगाई कम नहीं है, लेकिन जिनके नहीं है उनके उनसे पूछे गरीब। अच्छा हमको एक बात बताइए, एक आदमी उठा के देश में तो दिख लही, मैं तो घूमता हूँ, मैं तो गांव-गांव घूमता हूँ, सड़कों पे घूमता हूँ, मेरे को तो कोई भूखा नंगा नहीं तो नजर आता है, सब खाना खाते हैं। एक आदमी आप मेरे को दिखला दीजिए जो भूखा सोता हो, ये तो बोलने वाली बात है। नहीं करना नहीं करेगा जिसको, सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी, लोग चिल्लाते हैं बेरोजगारी है बेरोजगारी है बेरोजगारी है, भाई साहब काम करने वालों के लिए कभी बेरोजगारी नहीं है। रोजगार का ये मतलब नहीं है कि सरकार ही 150 करोड़ जनसंख्या को नौकरी दे दे, आप नौकरी पैदा करो ना, आप नौकरी करो, आप बेरोजगारों को नौकरी दो ना, वो हमारे देश में ये सोच लानी होगी जो नरेंद्र मोदी जी, कि मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में ये सोच पैदा कर देंगे। एक महिला भी जुड़े, क्या नाम है आपका? किट्टी जलान, मैं बैंकिंग में हूँ, HDFC बैंक से हूँ। HDFC बैंक से है, सारे लोग मिल रहे हैं भाई यहाँ पे हमको, बैंक के लोग भी मिल गए। आप बताइए बैंक में किस तरह की प्रॉब्लम पहली बात तो फेस करनी पड़ती है, दूसरी चीज ये कई लोग आते हैं लोन वोन की भी चक्कर फंसा रहता है, तीसरी चीज ये कि आपको क्या लगता है इस बार कैसी सरकार होनी चाहिए और आपको लग रहा बैंकिंग सेक्टर क्या बढ़ा है? अगर हम लोग लास्ट 9-10 साल की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में आप देख सकते हैं कि कितने तरह के चेंजेस आए हैं। जैसे कि सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ही देखते होंगे कि चलती थी, NPAs बहुत ज़्यादा थे जिससे हमारा प्रॉफिट बैंकिंग इंडस्ट्री की प्रॉफिट नहीं थी। अगर आप देखोगे तो मोदी जी आने के बाद से सबसे पहले NPA को रेगुलराइज मतलब रिकॉग्नाइज किया गया, रिकवरी की गई, उसके बाद आज पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया और उससे NPA भी कम हुआ है। बैंकिंग सेक्टर के जो प्रॉफिट होते हैं वो 3 गुना से 4 गुना बढ़ चुके हैं, पहला। दूसरा, इन्होंने जो पहले मैनुअल बैंकिंग होती थी आज डिजिटलाइजेशन में जो कन्वर्ट हुआ है उससे आप बेनिफिट देखो, हर लोग जिसके पास स्कैन टू पे, पेटीएम, ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं उससे इन्होंने क्या किया है, जो
मैक्सिमम लोग बोलते थे हम गरीबी रेखा से नीचे हैं, 60,000 रुपये से नीचे हम कमाते हैं। आज उन लोगों को सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो जो ले आए हैं, सबके खाते बैंक में खुल गए हैं, सबको ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है। ऑनलाइन पेमेंट से हमारी गरीबी रेखा जो है, कहीं गरीबी रेखा है ही नहीं अगर आप देखोगे तो, सबके इनकम मोर देन 1,00,000 रुपीज पहुंच चुके हैं, सबके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो आप अगर देखोगे कि बैंकिंग में कितना बड़ा चेंजेस आया है, मैनुअल बैंकिंग से कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, एनपीए तो घटे ही घटे हैं। और बैंकिंग इज द पिलर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी हमारा ग्रोथ तभी होगा जब बैंकिंग सिस्टम मजबूत रहेगी। तो वी कैन सी मतलब डेफिनेटली कि लास्ट 10 ईयर्स में बैंकिंग में किस तरह की चेंजेस हुई है। लेकिन ये तो लोग कह रहे हैं कि भाई सबको सबको सब कुछ बेच दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है, जिससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी दिक्कत आएगी, ये गठबंधन के लोग कह रहे हैं। गठबंधन के लोग सर, जैसे मैं बैंकिंग में खुद हूँ और इनफैक्ट मैं लोन डिपार्टमेंट में ही हूँ, मैं प्राइवेट बैंक सेक्टर में ज़रूर हूँ, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि पहले विदाउट कोटिंग द नेम ऑफ एनी बैंक्स, पहले जिस तरीके से इजीली लोन दिए जाते थे, कोई असेसमेंट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, बहुत आसानी से लोन दिए जाते थे। एनपीए का रीज़न क्या है आप बताओ ना, कोई असेसमेंट नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, कोई भी आज आया कहीं से भी कुछ दिया उसको लोन मिल गया इजीली। आज एनपीए कैसे घटा, सिंपल सी बात है कि आज का जो असेसमेंट करने का प्राइवेट बैंक्स का जो वो लोग क्वालिटी ऑफ पीपल लेते हैं, एमबीएस लेते हैं, सीए लेते हैं, उन लोग जिस तरह का असेसमेंट करते हैं जो एक्चुअली में जिसको लोन देना चाहिए, जो एनपीए मेरा नहीं होगा, जिसकी नेटवर्थ है उतनी, तो सर हमें तो ऐसा नहीं लगता है, मैंने हमें क्या मैंने जनता को ऐसा नहीं लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को देने से देश हमारा कहीं मतलब नेगेटिव में जाएगा या कोई। लेकिन अगर सरकारी सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर में देंगे तब भी कहा जाता है कि भाई क्या चला नहीं पा रही सरकार सरकारी सेक्टर को, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा और प्राइवेट सेक्टरों को दिया जा रहा है। खासकर जानते हैं वो अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं भैया, जितनी भी मैक्सिमम पीएसयूज थी 70 साल में आप देख लो सारी की सारी नुकसान में, चाहे बीएसएनएल हो, एमटीएनएल हो, आईटीआई हो, द फर्स्ट पीएसयू इंडिपेंडेंट इंडिया की सब नुकसान में। अरे सरकार का काम है सरकार चलाना, बिजनेस चलाना सरकार का काम नहीं है भैया, उसके लिए बिजनेसमैन लोग बैठे हुए हैं, प्राइवेट लोग बैठे हुए हैं जो कि अच्छा से काम कर रहे हैं। अब इसमें बात है सरकारी कंपनी को चलाना, उसमें पैसा किसका लग रहा है भैया? अगर कोई कंपनी को लॉस हो रहा है उसमें आपका रुपया लग रहा है, सरकारी रुपया हम लोग की रुपया है, इनकम टैक्स रुपया जा रहा है वहाँ पे, बिजनेस टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट जो भी जा रहे पेट्रोल में, तो उसको प्रॉफिट में लाना सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। पहली बात तो सरकार बेच दे, सरकार क्यों बेचेंगे मेरे भाई, सरकार बेच रहे नहीं है, लॉस में जो था उसको अपना प्रॉफिट में अपना आ रहे लोग लेके, वो समझना होगा। बीएसएनएल अभी भी आपका लॉस में है, एमटीएनएल अभी भी हम लोग का लॉस में है, उसको बेच रहे नहीं, उसको प्रॉफिट में लेके आ रहे सरकार, प्राइवेट करके उसको हम उसमें ले आएंगे प्रॉफिट में। बिल्कुल बढ़िया चीज है भैया वो, सरकार का मेन मुद्दा होना चाहिए गवर्नेंस कैसे अच्छा से करे, बिजनेस चलाना सरकार का मुद्दा कहीं से नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्राइवेट लोग बैठे हुए हैं भैया, बट मेन मुद्दा है हम लोग का कमाई, हम लोग जो कमाई का रुपया जो आप सरकार को दे रहे हैं उसको लॉस में दे देना वो तो सही कहीं से नहीं ना भैया। पीएसयू जितने भी पीएसयू थे, मेरा बोलना है 80% पीएसयू हम लोग के नुकसान में थे, यूपीए के समय में, एनडीए के समय में सारे के सारे प्रॉफिट में आ गए भैया, 80% प्रॉफिट में अभी, चाहे वो आईटीआई हो, चाहे वो बीएसएनएल हो, जो भी अपने सेक्टर हो भैया। उसको मोदी जी का मुद्दा वही था कि जितने भी पीएसयू है वहां जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको अपना एक स्टेबिलिटी देना, लॉस कंपनी कब तक चल पाएगी, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, उससे भी तो अपनी चल नहीं पाएगी ना भैया। तो एक, ए, 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 एक चीज और, एक है भाई साहब भी, इधर आइए भाई साहब, कहाँ छुपे हैं आप, इधर आइए, हाँ इधर आइए आप, इधर आइए आप भी यहीं खड़े हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल टांटिया है, मैं पुरुलिया वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल के भाई साहब मिल गए, वेस्ट बंगाल से हैं, दीदी वाले, दीदी वाले। ये बताइए, ये तो कह रहे युवा हैं, ये कह रहे प्राइवेट सब कर देना चाहिए, वो ठीक है, आपको लग रहा है? दीदी तो बोलती है सब प्राइवेट हो रहा है, सब ठीक नहीं चल रहा है। दीदी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मोदी जी की राज में जिससे हम लोगों का व्यापार बहुत सुलभ हुआ है, जीएसटी के बाद से व्यापार बहुत सुलभ चल रहा है और व्यापार में उन्नति है। मेरा कपड़े का होलसेल का व्यापार है, हम लोग का व्यापार मोदी जी के व्यापार में जीएसटी लगने के बाद से व्यापार में खूब उन्नति है, खूब सुलभ तरीके से चल रहा है व्यापार। लेकिन दीदी तो कह रही है पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, कहीं नहीं दिखेगा भारत में, वो मोदी जी का लहर जो है खत्म हो चुका है, अब इंडी गठबंधन की सुनामी बह रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये इनके चुनाव मुद्दा है, ये सब कोई खास बात नहीं है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा आप व्यापारी भी है, आप ये बताइए कि कोरोना के समय में
क्या लगा? कोरोना के समय में दिक्कत आई, उन्होंने जो मुद्दे उठ रहे हैं कि कोरोना के समय में व्यापारी टूट गए, बहुत लॉस हुआ और अभी तक उबर नहीं पाए हैं, 2024 आ गया है अभी तक उबर नहीं पाए हैं, दो साल कोरोना में उबर नहीं पाए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, कोरोना में व्यापार कम हुआ है, कोरोना के बाद से व्यापार ठीक मुद्दे पे आके खड़ा हो गया, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, परेशानी नहीं है। अच्छा मोदी जी मतलब कोई जादू वादू कर दिया है उन्होंने या फिर कुछ ऐसा लग रहा है, कोई गुट्टी उट्टी तो नहीं मिले आप लोग, बीजेपी का कार्यकर्ता तो नहीं है, शक होने लगा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जी जादूगर नहीं है, कार्यकर्ता है, देश को शक्तिमान बना रहे हैं, देश उनके बाद से खूब बढ़िया से चल रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, हमारे देश को शक्तिमान बना रहे हैं। एक छोटे थे हम लोग सीरियल देखते थे शक्तिमान, है ना, वही से शक्तिमान बना रहे हैं। क्या लग रहा है कि कैसे गोल गोल घूमेगा मामला, या फिर क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा, देश में बयार बहेगी? अपना नाम जरूर बता दिए। मेरा नाम संदीप जलान है, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले भाई साहब मुझे। अब तो पहला क्वेश्चन जो आपका था कि क्या बयार बहेगी, तो वो बहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। एक आंधी चल रही है नरेंद्र मोदी की, और वो आंधी में नरेंद्र मोदी को वापस शपथ लेना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि उन्होंने जो 10 सालों तक काम किया है, उस 10 सालों का काम 70 साल को साफ करने का था। 70 साल में जो गंदगी फैली थी उसे उन्होंने साफ किया। अगले जो चुनाव में वो जब आएंगे, तो अगर आपने अभी उनका इंटरव्यू देखा होगा, लेटेस्ट इंटरव्यू, हर चुनाव में उन्होंने 100 दिन का वादा किया था कि 100 दिन हमारे क्या रहेंगे, इस बार उन्होंने 125 दिन लिया है, जिसमें 25 दिन उन्होंने नौ युवकों के लिए लिया है, यूथ के लिए लिया है। तो इसका मतलब है कि अगले 25 दिन जो चुनाव जीतने के बाद जो 25 दिन प्रथम 25 दिन होंगे, वो युवकों के लिए रोजगार, युवकों के लिए अलग अलग एवेन्यूज खोलना, उस पर वो दिमाग लगाएंगे। और रही बात कि क्यों नहीं PSU और क्यों नहीं प्राइवेट, मैं इसमें ये कमेंट करूंगा कि अभी आप जितने भी PSU देख रहे हैं, उन PSUs में सारे प्रॉफिटेबल हैं, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे कोल सेक्टर्स हों, जिस किसी भी PSUs के देखेंगे तो सारे पॉजिटिव हैं। उनके शेयर प्राइस भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं, 20 कोई कोई तो 400-500% 500% तक हाइक में गए हुए हैं PSUs के शेयर्स, तो PSUs काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो सेंसेक्स हमारा प्रथम इनके कार्यकाल में 20,000-22,000 में था, 73,000 में है, एक मौका और इन्हें देकर देखें, शायद ये 1,00,000 के पार होगा अगले 5 साल में, या उसके भी पार हो सकता है। और हमारा विश्व में जो पहचान बनी है हमारी, वो केवल और केवल एक नेता के कारण बनी है, और उस नेता को सशक्त बनाने के लिए सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हम कम से कम अपने घरों से निकल के वोट देने जरूर जाएं, क्योंकि वोट देने अगर नहीं आएंगे तो फिर हम एक सशक्त नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी हो, अगर आप वोट ही नहीं देंगे तो आपको अधिकार नहीं है ये बोलने का कि हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। मेरा मानना है कि आप वोट देंगे तो ही आपको अधिकार बनता है कि आप कुछ बोलें, कि हाँ आपके पास में अधिकार रहेगा कि बोले कि हाँ फलना नेता में हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम उसे चुन के लाए। आपको वोट देने निकलना चाहिए। तो मेरा सभी रांची वासियों से भी अनुरोध है कि 25 तारीख को सुबह मतदान जरूर करें, पहले मतदान उसके बाद जलपान। बढ़िया बात। भाई साहब अधिवक्ता वाले भाई साहब कहाँ गए, इधर आइए इधर आइए इधर आइए। अच्छा देखिए, यहाँ पर लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की जो है आंधी चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल तो हवाई चल रही है यहाँ पे, लेकिन एक चीज है, एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि युवाओं को लेकर बात हो रही है कि युवा बेरोजगारी दर बढ़ी है, बेरोजगारी दर इस अगर देश की कहें बढ़ गई है, महंगाई दर बढ़ रही है, ऐसे में इस चीज को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी बात नहीं कर रही है युवाओं के रोजगार को लेकर, अब बात सिर्फ आरक्षण को लेकर आ रही है, तो क्या लग रहा है कि क्या युवाओं को बात ना करके फिर एक सॉफ्ट कॉर्नर खेला जा रहा है, भैया नहीं एक पूरा पहले से ही प्लान तैयार कर लिया जा रहा है कि नहीं हमने देखे बात नहीं की थी तो इस बार हम क्या बोले युवाओं के लिए? देखिए जहाँ तक रोजगार और महंगाई की बात है, तो रोजगार का मुद्दा जो है, ये कोई भी इकोनॉमी आप वर्ल्ड की देख लीजिए, हमारी इकोनॉमी तो फोर्थ लार्जेस्ट हो ही गई है अभी, तो क्यों हुई? क्योंकि काम हो रहा है, पैसा आ रहा है मार्केट में, चैनलाइज हो रहा है, साइकिलिंग हो रहा है, तभी ना हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी, पहले क्यों नहीं बनी? 11 से 10 आने में हमें 70 साल लग गए,
तो बेरोजगारी में सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, खुद से रोजगार सृजित करना, खाली सरकारी नौकरी एक लिमिटेशन है सरकार की, वो एक लिमिटेड लोगों को काम दे सकते हैं, लेकिन इतने एवेन्यूज हैं स्टार्टअप्स। आप देखिए वर्ल्ड में चाइना के बाद सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हमारे हैं, 7,000 स्टार्टअप्स हमारे अपने हैं, जो कि बढ़ के 70,000 भी हो सकते हैं। घर घर में जाके आप देखिए गृहिणियों ने काम शुरू किया है, घर में आपने देखे आप वो मिक्सचर, मिठाई, अचार, केक्स, कितने काम बढ़ गए हैं। तो ये बाजार में पैसा है, बिक रहा है, तभी बढ़े हैं ना ये। तो ये स्वरोजगार का जो सिस्टम है इंडिया में शुरू से, जो एमएसएमई का भी इन्होंने लोन बहुत इजी कर दिया, एमएसएमई कार्ड्स भी बना दिए, तो यहाँ पे आप नौकरी नहीं रोजगार की बात करते हैं, तो स्वरोजगार एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी इकोनॉमी में। वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस इकोनॉमी, 140 करोड़ प्लस हम लोग हैं, तो सबको नौकरी देना संभव नहीं है। एक स्वरोजगार की बात हो, सब उस दिशा में कार्य करें मिलकर, और कैसे हम लोग पूरे वर्ल्ड को एज इकोनॉमी देखें, खाली भारत नहीं, तो उससे और रोजगार बढ़ेगा। अच्छा एक चीज और, एक सवाल ये है, थोड़ा टेक्निकल सवाल है, क्योंकि हेमंत सोरेन भी जेल में, आलमगीर आलम भी जेल में है, थोड़ा राज्य से सवाल उठा लेते हैं। ऐसे में जो एनडी गठबंधन है वो कह रही है कि भैया नहीं, ये फंसाने की कोशिश की गई है, इन लोगों को फंसाया गया है, और एक सॉफ्ट जो एक पूरा खेला जा, खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, किनको फंसाया गया है, आपको लग रहा है, आप तो एक अधिवक्ता है, क्या ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये आप एनडी गठबंधन की बातों में कितना आपको दम लग रहा है? नहीं देखिए, ये मामला तो न्यायालय के विचाराधीन है, लेकिन इतने जो पकड़ा रहे हैं रुपए जो साक्ष्य के रूप में मौजूद हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। और जो कमीशन कट सारी कुछ आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, जो खुल के आ रही है चीजें, तो ये सब अपने आप में बताता है कि क्या हो रहा है। पहले आप देखिए, आज से 10 साल पहले की बात करें, 2014 से पहले तक तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर सेंटर में उन पे केसेस चलते थे। अभी आप देख लीजिए कि जो वर्तमान सरकार है इसमें किस पे कोई ऐसा दाग नहीं है, सब साफ सुथरी छवि से है। और जहां जहां बीजेपी नहीं है, ठीक है वो चुनाव मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये तो एक साक्ष्य के साथ जो भी ईडी कर रही है, और ये नोटों का अंबार मिल रहा है, तो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा सर। आप भाई पेट्रोल पंप वाले भाई साहब, ये बताइए भाई साहब, आप ये कहा जा रहा है कि जो देश में जो प्रति बैरल है वो कम हुआ है, लेकिन भारत के अंदर वही चीज़, अब ये चीज़ें व्हाट्सएप पर भी और हम लोग भी देखते रहते हैं, प्रति बैरल कम हुआ है, बावजूद इसके यहाँ पर जो है तेल के दाम कम नहीं है। यही जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो बीजेपी हाय हाय चिल्लाती रहती थी। हाँ ये तो हुआ ही है, तो प्रति बैरल कम रेट हुआ तो वो एक कॉन्स्टेंट रेट, देश चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, कहाँ से आएगा? रोड बनाना है, रोड आज का रोड और पहले का रोड, दोनों में अंतर देखिए आप। पहले रोड आप चलते थे पूरा हिलते हुए चलते थे, गाड़ी का पूरा पुर्जा ढीला हो जाता था। आज का रोड देखिए, पहले एक रोड जाने में 100 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लगता था, आज 100 किलोमीटर 1 घंटा लगता है। तो पैसा तो चाहिए ना, पैसा पैसे से काम होता है ना, मतलब पैसे के लिए हमें जनता को हम काटना जरूरी है। नहीं नहीं वो तो आप इकोनॉमिक ये रेट कहाँ बढ़ा है, रेट उस हिसाब से तुलना आप कीजिए, उसको भी तुलना कीजिए आप। अब फैसिलिटी भी चाहिए और अब देना भी नहीं चाहेंगे तो फिर यही चीज तो मनमोहन सरकार में भी थी, तो फिर इतना बीजेपी के लोग बहुत हाय हल्ला करते थे कि देखिए हम आएंगे तो पेट्रोल के दाम सीधे 60 बोलने में करने में अंतर होता है ना, कथनी और करनी में अंतर है। तो बीजेपी कहती थी 60-70 में कर देंगे, दिखा रही है 60-70 में कहा तेल है। नहीं नहीं अब ये काम करके दिखा रहे हैं, काम ही करके जो ले रहे पैसा बढ़ा हुआ आप बोल रहे हैं, उसमें बैरल बढ़ रहा था वो उसको आप खर्चा भी करके दिखा रहे हो, अकाउंटेबिलिटी है अब इस बार, पहले अकाउंटेबिलिटी कहाँ था? अब भाई साहब आप बताइए कि यहाँ पर जो बार बार बात हो रही है, देखिए रोजगार की बात हुई, यहाँ पर अभी भाई साहब भी कह रहे हैं नहीं रोड सड़क वड़क सब बन गई है, लेकिन जब बात होती है कि भाई अब देखेगा भी जनता, ये भी तो देख रही है कि आदमी जो है बेरोजगारी दर बढ़ रही है, बार बार युवा जो है रोजगार की बात कर रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, लेकिन रोजगार वो मिल नहीं रहा है, इसको लेकर भी तो बात होनी चाहिए। मिल नहीं रहा है या खोज नहीं रहे हैं या अपना नहीं रहे हैं, ये तीन सवाल है। आजकल का युवा क्या चाहता है? देखिए वो सरकारी नौकरी हो अपना काम हो, मेन मकसद क्या होता है? पैसा कमाना, अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण करना। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सरकार आपको नौकरी दे। आज एक चीज बताइए, जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां सरकारी हैं क्या? हजारों इम्प्लॉयर्स रखे हुए हैं जिनकी सैलरी करोड़ों में है। आज जो बच्चे आईआईटी से पास करते हैं सरकारी नौकरी करते हैं क्या? सब प्राइवेट फॉर्म में नौकरी करने जाते हैं, क्यों भाई? वैसे आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, आप एक सिविल इंजीनियर हो, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, व्हाटएवर, आप एक डॉक्टर हो, तो आपको जरूरी नहीं कि सरकार आपको घर पहुंचा के नौकरी दे। आप अपना काम करो ना, अपना काम करो, साथ में अपने 4-5 मित्रों को जोड़ो और वो लोग 5-5 को जोड़े, तो सब पैसा भी तो होना चाहिए भाई साहब। सरकार पैसा देने के लिए बैठी है,
सरकार पैसा देने के लिए बैठी है। आप देखो ना भाई, आप मैं बात को ऐसे समझो कि पहले जैसे सड़क बनती है तो धूल उड़ती है, लोगों को परेशानियां होती है, लेकिन जब सड़क बन जाती है तो चलने में बड़ा मजा आता है। तुम ये सरकार जो है 70 साल का हिसाब आप चाहोगे कि 5 मिनट में कर दे, ऐसा नहीं, समय लगेगा, लेकिन देश में ना कोई भूखा था, ना है, ना रहेगा। भाई देश में ना कोई भूखा था, ना है, ना रहेगा। देखिए यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल लोग थे, उनसे बातचीत की हमने और ये जानने की कोशिश की कि वो क्या सोचते हैं। इन लोगों का कहना है कि देखिए बैंकिंग सेक्टर हो या फिर अधिवक्ता हो या फिर पेट्रोल पंप वाले भाई साहब, उनका कहना है कि बिजनेस जो है पहले से बेहतर हुआ है, जब से मोदी सरकार आई है तब से बेहतर हुआ है। फिलहाल ये जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं कि जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोचती है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री जनता किसको चुनकर लाना चाहती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।